दोस्तों, तो रेलवे विभागीय परीक्षा चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश्वर पांडे। आज आप लोग देखने जा रहे हैं मालगाड़ी का संचालन, वर्किंग ऑफ गुड्स ट्रेन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एक है कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक गाड़ी काम करने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन है ट्रैफिक टर्न राउंड, बी नंबर इंड टू इंड समय, सी नंबर मेरी गो राउंड, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर है ट्रैफिक टर्न राउंड। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक गाड़ी काम करने में लगने वाले समय को ट्रैफिक टर्न राउंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दो है दोस्तों, रनिंग कर्मचारी को साइनिंग ऑफ के क्रमानुसार खाली स्थान का आधार बनाकर इनकी बुकिंग की जाती है। किसकी आधार बनाकर इनकी बुकिंग की जाती है? ए नंबर ऑप्शन है पहले आने पहले जाने, बी नंबर गाड़ी के स्टॉप, सी नंबर इंजन स्पीड की रेंज और डी नंबर गाड़ी की लंबाई। दोस्तों, इसका सही आंसर है पहले आने पहले जाने। रनिंग कर्मचारी को साइनिंग ऑफ के क्रमानुसार पहले आने पहले जाने का आधार बनाकर इनकी बुकिंग की जाती है। जो पहले आता है पहले जाता है, ठीक। अगला प्रश्न संख्या तीन। प्रश्न संख्या तीन है रनिंग स्टाफ खाली स्थान रोस्टर में आते हैं, किस रोस्टर में आते हैं? रनिंग स्टाफ किस रोस्टर में आते हैं? ए नंबर ER रोस्टर, बी नंबर कंटिन्यूस रोस्टर, सी नंबर मिश्रित रोस्टर, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, रनिंग स्टाफ जो होते हैं कंटिन्यूस रोस्टर में आते हैं, कंटिन्यूस रोस्टर इसका बी नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर चार। दोस्तों, रनिंग स्टाफ कंटिन्यूस रोस्टर में आते हैं एवं इनके कार्य करने के लिए क्या बना हुआ है? खाली स्थान है, क्या बना हुआ है? ए नंबर 8 आवर रूल बना हुआ है, बी नंबर 10 आवर रूल बना हुआ है, सी नंबर 12 आवर रूल बना हुआ है, डी नंबर इमेडिएटली रूल बना हुआ है। दोस्तों, इसका सही आंसर है बी नंबर 10 आवर रूल, 10 घंटा का नियम बना है। रनिंग स्टाफ कंटिन्यूस रोस्टर में आते हैं, इनके कार्य करने के लिए 10 घंटे का नियम बना हुआ है, बी नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर पाँच। पाँच नंबर प्रश्न है दोस्तों, रिलीफ की आवश्यकता होने पर रनिंग स्टाफ द्वारा खाली स्थान पूर्व सूचना दी जाती है, यानी कितने समय पूर्व सूचना दी जाती है? ए नंबर 1 घंटा पूर्व, बी नंबर 15 मिनट पूर्व, सी नंबर 3 घंटा पूर्व और डी नंबर 2 घंटा पूर्व। दोस्तों, इसका सही आंसर है 2 घंटा पूर्व, 2 घंटा पहले सूचना दी जाती है। रिलीफ की आवश्यकता होने पर रनिंग स्टाफ द्वारा 2 घंटे पूर्व में सूचना दी जाती है, डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न संख्या छः। प्रश्न संख्या छः है रनिंग कर्मचारी को बुलाने के लिए मैसेज भेजकर खाली स्थान है पहले सूचित किया जाता है, यानी कितने समय पहले सूचित किया जाता है? रनिंग कर्मचारी को बुलाने के लिए मैसेज भेजकर कितने समय पहले सूचित किया जाता है? ए नंबर ऑप्शन है 1 घंटा पहले, बी नंबर 2 घंटा पहले, सी नंबर ऑप्शन है 3 घंटा पहले और डी नंबर ऑप्शन है 4 घंटा पहले। दोस्तों, इसका सही आंसर है 2 घंटा पहले। रनिंग कर्मचारी को बुलाने के लिए मैसेज भेजकर 2 घंटा पहले सूचित किया जाता है, बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न संख्या 7। 7वां प्रश्न है दोस्तों, रनिंग कर्मचारियों से लगातार कितने रात्रि ड्यूटी से अधिक रात्रि ड्यूटी नहीं लिया जाता है? यहाँ खाली स्थान है, यहाँ भरना है कि रनिंग कर्मचारियों से लगातार कितने रात्रि, खाली स्थान के जगह पे हम मान लिए कितने रात्रि ड्यूटी से अधिक रात्रि ड्यूटी नहीं लिया जाता है। ए नंबर ऑप्शन है 2 रात्रि, बी नंबर 3 रात्रि, सी नंबर 4 रात्रि और डी नंबर 7 रात्रि। दोस्तों, इसका सही आंसर है सी 4 रात्रि। रनिंग कर्मचारियों से लगातार 4 रात्रि ड्यूटी से अधिक रात्रि ड्यूटी नहीं लिया जाता है, सी सही आंसर है। अगला प्रश्न संख्या 8। 8वां प्रश्न है दोस्तों, रनिंग कर्मचारियों को प्रत्येक माह कितने विश्राम दिया जाता है? खाली स्थान है, यहाँ भरना है, यानी कि कितने विश्राम दिया जाता है? रनिंग कर्मचारी को प्रत्येक माह खाली स्थान है विश्राम दिया जाता है, यानी कितने विश्राम दिया जाता है? तो ए नंबर ऑप्शन है 30 घंटे के 4 विश्राम, प्रत्येक माह 30 घंटे का 4 विश्राम। बी नंबर ऑप्शन है 22 घंटे का 5 विश्राम, कह रहा है कि प्रत्येक महीने 22 घंटे का 5 विश्राम। सी नंबर ऑप्शन है ए या बी दोनों, यानी 30 घंटे का 4 या 22 घंटे का 5। डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए और बी दोनों, या तो 30 घंटे के 4 विश्राम दिया जाएगा या 22 घंटे का 5 दिया जाएगा, सी इसका सही आंसर है। तो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। 9वां प्रश्न है, प्रत्येक 2 सप्ताह में रनिंग कर्मचारियों की ड्यूटी, देखिए यहाँ खाली स्थान है, यानी कितने मान लें, कितने घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए? प्रत्येक 2 सप्ताह में रनिंग कर्मचारियों की ड्यूटी कितने घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए प्रत्येक 2 सप्ताह पर? तो ए नंबर है 100 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए, बी नंबर 125 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए, सी नंबर 84 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए और डी नंबर 130 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 125 घंटा।
प्रत्येक 2 सप्ताह में रनिंग कर्मचारियों की ड्यूटी जो है 125 घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसलिए बी नंबर सही आंसर है। तो देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 10। मालगाड़ी के लिए सामान्यतः सबसे अच्छा पथ उस दिशा के खाली स्थान गाड़ी के पीछे होता है, यानी किस गाड़ी के पीछे होता है। तो देखिए दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन है पहली मेल एक्सप्रेस के पीछे, बी नंबर अंतिम मेल एक्सप्रेस के पीछे, सी नंबर किसी भी मालगाड़ी के पीछे, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है बी, अंतिम मेल एक्सप्रेस जो गाड़ी जाएगी उसके पीछे चलाना सबसे अच्छा पथ होता है। देखिए जब सभी एक्सप्रेस गाड़ियां निकल गई तो उसके पीछे मालगाड़ी चलाई जाती है, जो सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक, तो बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। एक मार्शलिंग यार्ड से दूसरे मार्शलिंग यार्ड के लिए रास्ते में बिना संटिंग किए जाने वाली गाड़ी को क्या कहा जाता है? एक मार्शलिंग यार्ड से दूसरे मार्शलिंग यार्ड के लिए रास्ते में बिना संटिंग किए जाने वाली गाड़ी को क्या कहा जाता है? ए नंबर ऑप्शन है क्रैक गुड्स ट्रेन, बी नंबर ऑप्शन है लिंक गुड्स ट्रेन, सी नंबर ऑप्शन है थ्रू गुड्स ट्रेन, डी नंबर ऑप्शन है फ्रेट लाइनर। दोस्तों इसका सही आंसर है थ्रू गुड्स ट्रेन, ये थ्रू जाती है, इसको थ्रू गुड्स ट्रेन बोलते हैं। एक मार्शलिंग यार्ड से दूसरे मार्शलिंग यार्ड के लिए रास्ते में बिना संटिंग किए जाने वाली गाड़ी को थ्रू गुड्स ट्रेन कहते हैं, सी नंबर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर प्रश्न है ऐसी गाड़ियां जो प्रस्थान स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक एक से अधिक यार्डों को पार कर जाती थी, जिन्हें चुने हुए चालक दल से सबसे सुंदर पथ पर अच्छी गति से चलाया जाता था, क्या कहते थे? यानी पहले चलती थी, दोस्तों ध्यान दें कि ऐसी गाड़ियां जो प्रस्थान स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक एक से अधिक यार्डों को पार कर जाती थी, जिन्हें चुने हुए चालक दल द्वारा सबसे अच्छे सुंदर पथ पर अच्छी गति से चलाया जाता था, उन्हें क्या कहते थे? तो ए नंबर ऑप्शन है क्रैक गुड्स ट्रेन कहते थे, बी नंबर लिंक गुड्स ट्रेन कहते थे, सी नंबर थ्रू गुड्स ट्रेन कहते थे, या डी नंबर फ्रेट लाइनर कहते थे। दोस्तों इसका सही आंसर है लिंक गुड्स ट्रेन उसको कहा जाता था, क्या कहा जाता था? लिंक गुड्स ट्रेन, यानी बी नंबर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों ऐसी मालगाड़ी जिसमें एक ही क्रू द्वारा बिना आउट स्टेशन विश्राम लिए आना और जाना दोनों किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ए नंबर ऑप्शन है क्रैक गुड्स ट्रेन, बी नंबर लिंक गुड्स ट्रेन, सी नंबर थ्रू गुड्स ट्रेन, और डी नंबर फ्रेट लाइनर। कह रहा है प्रश्न है कि ऐसी मालगाड़ी जिसमें एक ही क्रू द्वारा बिना आउट स्टेशन विश्राम लिए आना और जाना दोनों किया जाता हो, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है क्रैक गुड्स ट्रेन बोलते हैं, ए नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। 14 प्रश्न है दोस्तों कि BCXT CRT बैगन आदि कावर्ड बैगन के रेक को के नाम से चलाया जाता है, किस नाम से चलाया जाता है? दोस्तों ध्यान दें, ए नंबर ऑप्शन है जंबू रेक, बी नंबर सिरपा रेक, सी नंबर इंटेग्रल रेक, और डी नंबर फ्रेट लाइनर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है BCXT CRT बैगन आदि कावर्ड बैगन के रेक को किसके नाम से चलाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ए नंबर, जंबू रेक के नाम से चलाया जाता है, किसके नाम से? जंबू रेक, ए नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न संख्या 15। नंबर प्रश्न है दोस्तों BFR टाइप फ्लैट बैगन रेक का नामकरण किस रेक के रूप में किया जाता है? ए नंबर ऑप्शन है जंबू रेक, बी नंबर शेरपा रेक, सी नंबर सीसी रेक, और डी नंबर इंड टू इंड रेक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है शेरपा रेक, BFR टाइप फ्लैट बैगन के रेक का नामकरण शेरपा रेक के रूप में किया जाता है, किसके रूप में? शेरपा रेक, यानी बी नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। ऐसी मालगाड़ी जिसमें इनबिल्ट मोटिव पावर होता है, देखिए दोस्तों ऐसी मालगाड़ी जिनमें इनबिल्ट मोटिव पावर होता है, इनबिल्ट मोटिव पावर और पूरी गाड़ी एक यूनिट है, क्या कहलाती है? ए नंबर ऑप्शन है जंबू रेक, बी नंबर शेरपा रेक, सी नंबर फ्रेट लाइनर, और डी नंबर इंटेग्रल ट्रेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इंटेग्रल ट्रेन, ऐसी मालगाड़ी जिनमें इनबिल्ट मोटिव पावर होता है और पूरी गाड़ी एक यूनिट होती है, इंटेग्रल ट्रेन कहलाती है, डी इसका सही आंसर है। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों जिस मालगाड़ी के डिब्बे में नीचे डिस्चार्ज सिस्टम बना होता है, जिसे लदान के बाद जब ऑन लोडिंग करना होता है तो खोल दिया जाता है, गाड़ी में लदान में मैकेनिकली होता है, उसे क्या कहलाती है? वह गाड़ी का नाम क्या है? ए नंबर ऑप्शन है क्रैक गुड्स ट्रेन, बी नंबर मेरी गो राउंड गाड़ियाँ, सी नंबर सीसी रेक, और डी नंबर लॉन्ग हॉल गुड्स ट्रेन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को फिर से देखिए, जिस मालगाड़ी के डिब्बे में नीचे डिस्चार्ज सिस्टम बना होता है,
जिसे लदान के बाद जब ऑनलोडिंग करना होता है तो खोल दिया जाता है। गाड़ी में लदान मैकेनिकल ही होता है और चलती हुई भी कहते हैं। उस गाड़ी को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको मेरी गो राउंड गाड़ियाँ बोलते हैं। बी इसका सही आंसर है। जिस गाड़ी के डिब्बे में नीचे डिस्चार्ज सिस्टम बना होता है, जिसे लदान के बाद जब ऑनलोडिंग करना होता है तो डिस्चार्ज सिस्टम को खोल दिया जाता है, उस गाड़ी में लदान मैकेनिकल ही होता है, उसको मेरी गो राउंड गाड़ियाँ बोलते हैं। बी इसका सही आंसर है। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। ट्रेन गुड्स ट्रेन को खाली स्थान रेक भी कहा जाता है, और कौन सा रेक भी कहा जाता है? तो देखिए, ए नंबर पाइथन रेक कहा जाता है, बी नंबर अजगर रेक कहा जाता है, सी नंबर ए और बी दोनों पाइथन या अजगर, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, लॉन्ग हॉल ट्रेन गुड्स ट्रेन को पाइथन या अजगर रेक के नाम से भी जाना जाता है, यानी सी नंबर इसका सही आंसर है। ए और बी दोनों पाइथन या अजगर, लॉन्ग हॉल ट्रेन गुड्स ट्रेन को पाइथन या अजगर रेक के भी रेक भी कहा जाता है, यानी लॉन्ग हॉल ट्रेन को और क्या कहा जाता है? पाइथन रेक या अजगर रेक। लॉन्ग हॉल ट्रेन गुड्स ट्रेन को पाइथन या अजगर रेक भी कहा जाता है, यानी सी इसका सही आंसर है। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, लॉन्ग हॉल गुड्स ट्रेन में खाली स्थान द्वारा कवर बीपीसी बनाया जाता है, यानी कवर बीपीसी किसके द्वारा बनाया जाता है? कहने का मतलब, लॉन्ग हॉल गुड्स ट्रेन में किसके द्वारा कवर बीपीसी बनाया जाता है? ए नंबर TXR द्वारा, बी नंबर चालक द्वारा, सी नंबर गार्ड द्वारा, और डी नंबर बी और सी दोनों द्वारा, चालक और गार्ड दोनों द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है TXR द्वारा बनाया जाता है, ए नंबर सही आंसर है। लॉन्ग हॉल गुड्स ट्रेन में TXR द्वारा कवर बीपीसी बनाया जाता है, TXR ए नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न संख्या 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम में सुमो रे को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? ए नंबर पीला, बी नंबर लाल, सी नंबर नीला और डी नंबर हरा। दोस्तों इसका सही आंसर है हरा। फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम में, यानी FOIS, फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम FOIS जो होता है, उसमें सुमो रेक को हरा रंग से प्रदर्शित किया जाता है, डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 क्या 21 एक से अधिक स्टैंडर्ड रेक से बनी गाड़ी क्या कहलाती है? खाली स्थान है, क्या कहलाती है? इसमें दो लोडेड, दो खलिया या एक खलिया एक भरे हुए लोड लगाए जा सकते हैं। इसमें प्रत्येक लोड के लिए अलग क्रू की व्यवस्था रहती है। ए नंबर ऑप्शन है लॉन्ग हॉल गुड्स ट्रेन, बी नंबर सीसी रेक, सी नंबर मेरी गो राउंड गाड़ियाँ और डी नंबर सुमो रेक। दोस्तों इसका सही आंसर है लॉन्ग हॉल गुड्स ट्रेन। लॉन्ग हॉल गुड्स ट्रेन जो होती हैं एक से अधिक स्टैंडर्ड रेक से बनी होती है, ठीक। एक से अधिक स्टैंडर्ड रेक से बनी गाड़ी क्या कहलाती है? इसमें दो लोडेड, दो खलिया या एक खलिया एक भरे हुए लोड लगाए जा सकते हैं। इसमें प्रत्येक लोड के लिए और अलग क्रू की व्यवस्था होती है। ये लॉन्ग हॉल गुड्स ट्रेन होती है, ए नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ऐसे वैगन जिसमें CC+8+2T तथा CC+6+2T का लदान कर चलाया जाता है, ऐसे हेवी ट्रेन को किस के नाम से जाना जाता है? ए नंबर लॉन्ग हॉल गुड्स ट्रेन, बी नंबर सीसी रेक, सी नंबर मेरी गो राउंड गाड़ियाँ और डी नंबर सुमो रेक। दोस्तों उसको सुमो रेक बोलते हैं, ये हेवी गाड़ी होती है सुमो रेक, ठीक। इसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा अधिकतम होती है, ठीक। ऐसे वैगन जिसमें CC+8+2T तथा CC+6+2T का लदान कर चलाया जाता है, ऐसे हेवी ट्रेन को सुमो रेक के नाम से जाना जाता है, यानी डी नंबर सही आंसर है, ठीक। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 नंबर प्रश्न है, सामान्यतः सुमो रेक की अधिकतम गति खाली स्थान होती है, यानी कितनी होती है? ए नंबर ऑप्शन है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बी नंबर 110 किलोमीटर प्रति घंटा, सी नंबर 140 किलोमीटर प्रति घंटा और डी नंबर 160 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों इसका सही आंसर है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सामान्यतः सुमो रेक की अधिकतम गति जो होती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ए नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रीमियम इन टू एंड रेक के बीपीसी की मान्यता खाली स्थान दिन की होती है, कितने दिन की होती है? प्रीमियम इन टू इन रेक जो है उसके बीपीसी की मान्यता कितने दिन की होती है? ए नंबर ऑप्शन है 15+5 दिन, बी नंबर 30 दिन, सी नंबर 12+3 दिन और डी नंबर 35 दिन। दोस्तों इसका सही आंसर है सी 12+3 दिन की होती है। प्रीमियम इन टू इन रेक के बीपीसी की मान्यता 12+3 दिन की होती है। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मालगाड़ी की दक्षता उसके खाली स्थान से मापी जाती है, उसके किस चीज़ से मापी जाती है? ए नंबर ऑप्शन है गति, बी नंबर लंबाई, सी नंबर वजन और डी नंबर इंजन। मालगाड़ी की दक्षता उसके गति से मापी जाती है कि लंबाई से मापी जाती है, वजन से मापी जाती है कि इंजन से मापी जाती है? दोस्तों मालगाड़ी की दक्षता जो होती है उसके गति से मापी जाती है, यानी ए नंबर सही आंसर है, गति से मापी जाती है। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26
26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मालगाड़ी की गति में सुधार करने पर खाली स्थान में सुधार होता है, किसमें सुधार होता है? रनिंग स्टाफ की संख्या एवं कार्य के घंटे में कमी होती है। ए नंबर ऑप्शन है इंजन में, बी नंबर वैगन संचालन में, सी नंबर ट्रैक में और डी नंबर लोडेड वस्तु में। दोस्तों मालगाड़ी की गति में सुधार करने पर वैगन संचालन में सुधार होता है, बी नंबर सही आंसर है, वैगन संचालन में सुधार। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, मालगाड़ी के गति निकालने की कितनी विधियां हैं? ए नंबर ऑप्शन है 2, बी नंबर ऑप्शन है 3, सी नंबर ऑप्शन है 4 और डी नंबर ऑप्शन है 5। दोस्तों इसका सही आंसर है 2। मालगाड़ी की गति निकालने की 2 विधियां हैं, यानी ए नंबर सही आंसर है 2। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मालगाड़ी की गति निकालने की कौन सी विधि है? ए नंबर चार्ट मेथड यानी चार्ट विधि, बी नंबर सांख्यिकी विधि, सी नंबर ए और बी दोनों यानी चार्ट विधि और सांख्यिकी विधि, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मालगाड़ी की गति निकालने की 2 विधि चार्ट विधि और सांख्यिकी विधि है, चार्ट मेथड और सांख्यिकी विधि, यानी ए और बी दोनों सी नंबर आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मालगाड़ी के एक माह का औसत गति किस विधि से निकाली जाती है? एक महीने का औसत गति, ए नंबर है चार्ट मेथड से, बी नंबर सांख्यिकी विधि से, सी नंबर ए और बी दोनों से, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एक महीने का जब निकालना होता है तो सांख्यिकी विधि से निकालते हैं, इसलिए बी नंबर सही आंसर होगा, सांख्यिकी विधि ये ज़्यादा सही विधि होता है, बी नंबर सांख्यिकी विधि इसका सही आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, किसी सेक्शन में मालगाड़ियों के औसत गति निकालने के लिए कुल ट्रेन किलोमीटर में खाली स्थान से भाग दिया जाता है और किससे भाग दिया जाता है? ए नंबर ऑप्शन है कुल इंजन घंटे से, बी नंबर एक ट्रेन का समय से, सी नंबर ए और बी दोनों से, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है कुल इंजन घंटे से। किसी सेक्शन में मालगाड़ियों के औसत गति निकालने के लिए कुल ट्रेन किलोमीटर में कुल इंजन घंटे से भाग दिया जाता है, ए नंबर सही आंसर है। ठीक, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।